Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. Viewers, आज के अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ शलवार डिजाइन। मेरी इस वीडियो से आप आइडिया ले सकती हैं कि अगर आपको अपनी शलवार बनवानी है तो आपको किस तरह का डिजाइन बनवाना चाहिए, आपके पैंटों का डिजाइन किस तरह का होना चाहिए। डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइन है, हैंड एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, हाथी कढ़ाई हुई है, कितने खूबसूरत डिजाइन है। आप लाइसेंस लगवा सकती हैं, आप कढ़ाई करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कपड़े की डिजाइनिंग करना चाहें तो वो भी आप कलरफुल सी कर सकती हैं। आप बटन्स वगैरह भी लगवा सकती हैं। ज्यादातर मेरी स्टूडियो में आपको जो डिजाइन मिलेंगे वो हाथ की कढ़ाई हुई है, हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत डिजाइन, कितने स्टाइलिश तरीके से शलवार को डिजाइन किया गया। आप इस तरह की डिजाइनिंग अपने पैंटों पर करवा सकती हैं। इस तरह की शलवार के साथ आप कमीज बनवा सकती हैं, कुर्ती स्टाइल्स बनवा सकती हैं, कुर्ता स्टाइल भी बनवा सकती हैं, जो भी डिजाइन आपको पसंद हो। डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर कंट्रास्ट हैं, आप अपनी मर्जी का कलर बनवा सकती हैं। आप कंट्रास्ट का आइडिया मेरी स्टूडियो से ले सकती हैं कि आपको किस तरह का कंट्रास्ट करवाना चाहिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफी आइडिया हुआ कि आपको अपने शलवार का डिजाइन किस तरह का बनवाना है। मेरी वीडियो में तो जरूर देखिएगा व्यूअर्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको और भी डिफरेंट डिजाइनों में आइडियाज मिलेंगे, डिफरेंट ट्राउजर डिजाइन आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगे, डिफरेंट ड्रेस डिजाइनिंग के बारे में आपको वीडियोस मिलेंगी, साथ ही आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में वीडियोस भी मिलेंगी, फैशन ट्रेंड्स के बारे में वीडियोस मिलेंगी आपको, साथ ही आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में वीडियोस भी मिलेंगी। सो व्यूअर्स वीडियो को एंजॉय करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा डिजाइन पसंद आया। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे कुछ नए डिजाइन और आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।